सत्ता की भूखी बीजेपी ने 10 साल में ही देश को ऐसा लूटा कि सारी कसर पूरी कर ली। लूट का ये खेल सरकारी रंगदारी के नाम पर खेला गया। रंगदारी वसूलने की इस कहानी में न खाऊंगा न खाने दूंगा का ढोल पीटने वाले नरेंद्र मोदी की सच्चाई पूरे देश के सामने ला दी है। मोदी सरकार ने रंगदारी वसूलने के लिए इस धंधे में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को अपना गुर्गा बना लिया और ये केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच के नाम पर लोगों को धमकाती और उनको छोड़ने के लिए रंगदारी वसूल। इसी रंगदारी से बीजेपी ने अपनी खूब तिजोरियां भरी। आइए अब आपको मोदी सरकार के रंगदारी वसूलने की क्रोनोलॉजी समझाते हैं। 25 जनवरी 2019 को सीबीआई ने डीएलएफ पर छापे मारी थी और 9 अक्टूबर को कंपनी ने करोड़ों के चुनावी बॉन्ड खरीद लिए। 26 दिसंबर 2020 को इनकम टैक्स ने यशोदा हॉस्पिटल पर छापे डाले। अक्टूबर 2021 में कंपनी ने 162 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 23 जनवरी 2020 को यूनाइटेड फास्फोरस इंडिया के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े और 15 नवंबर 2022 को कंपनी ने बॉन्ड खरीद लिए। दिसंबर 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पर छापा पड़ा। फिर जनवरी 2024 में शिरडी साई ने छप्पर फाड़ कर बॉन्ड खरीद लिए। इसी तरह एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड हॉस्टल सर्विसेज। 2 अप्रैल 2022 में कंपनी की 409 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच कर दी। फिर 27 अक्टूबर 2020 से 5 अक्टूबर 2022 तक कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। ये चंद नाम है, लिस्ट बड़ी लंबी है। साफ है इलेक्टोरल बॉन्ड को बीजेपी ने रंगदारी और वसूली का हथियार बना लिया था। वो जांच एजेंसियों की मदद से कंपनियों को डराकर चंदे की लूट का खेल कर रही थी। हमारी दो मांगे, पहला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच होनी चाहिए, दूसरा जब तक जांच पूरी ना हो जाए बीजेपी के खाते फ्रीज किए जाएं।